बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म शिवाय दिवाली पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन हर फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, फिल्म ए दिल है मुश्किल के बाद फिल्म शिवाय पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है। वैसे आमतौर पर दुनिया में भगवान शिव की पूजा उनके शिवलिंग के बिना अधूरी रहती है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने अपने एक फैसले में अजय देवगन की शिवाय से शिवलिंग शब्द ही हटाने को कह दिया। सूत्रों के मुताबिक शिवाय को दिवाली रिलीज के लिए यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया है, पर साथ ही पूरी फिल्म में 6 कट लगाने को भी कहा। अजय देवगन सेंसर की स्क्रीनिंग पर मौजूद थे और उन्होंने बोर्ड की हर बात को स्वीकार किया और बाद में ट्विटर पर धन्यवाद भी दिया। सूत्रों के मुताबिक जिन दो डायलॉग को हटाने को कहा गया है उनमें एक शिवलिंग शब्द भी है और सेंसर को लगा कि ये शब्द सीन में अनुचित तरीके से कहा गया है। ऐसा ही हिंदुस्तानी शब्द के साथ भी हुआ, जब सेंसर को ऐसा लगा कि एक किरदार ने गलत तरीके से हिंदुस्तानी शब्द कहा है, इसलिए उसे भी हटाने के लिए कह दिया गया। डायलॉग के अलावा सेंसर ने 4 एक्शन सीन पर भी कैंची चला दी है। बोर्ड को लगा कि कुछ जगहों पर एक्शन जरूरत से ज्यादा हो गया है, इसलिए उन्हें टोन डाउन करने को कहा गया। बता दें कि शिवाय इस दिवाली को रिलीज हो रही है, जिसके जरिए अजय दूसरी बार निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इस दिवाली पर शिवाय के एक्शन का मुकाबला करण जौहर के इमोशन यानी ए दिल है मुश्किल से है।